अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्ची का तला हुआ गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बनाने में नहायत ही आसान है और इसमें चंद ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी बना सकते हैं। तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने आधा किलो गोश्त को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अब हम इसे एक पैन में डालेंगे और इसे इसकी यखनी समेत पकाएंगे। अब हम 8 से 10 हरी मिर्चें और एक मुट्ठी धनिया लेंगे और उसे चॉप करेंगे और उसे भी पैन में डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून गार्लिक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करके इसे मिक्स करेंगे और इसे गलाने के लिए हम तकरीबन 2 ग्लास पानी बीच में शामिल करेंगे और इसे गलने के लिए ढांप के रख देंगे। ये देखिए हमारा गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसे भूनेंगे। इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ऑयल अच्छे से बाहर आ जाए। ये देखिए किस कदर खूबसूरत गोश्त हमारा बन चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसे नींबू और मिर्ची से गार्निश करेंगे। लीजिए हमारा हरी मिर्ची का तला हुआ गोश्त तैयार है। इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।